गुड मॉर्निंग लवली किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग द वर्चुअल क्लासेस. आई वेलकम यू टू द कंप्यूटर क्लास. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो सेशन वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 5, दैट इज मोर ऑन एमएस पेंट, एमएस माइक्रोसॉफ्ट पेंट. ठीक है बेटा, आज हम चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे, मोर ऑन एमएस पेंट. सो लेट्स रिवाइज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन. इन द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड द पेंट विंडो. पेंट विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज रिबन एंड सेकंड इज ड्राइंग एरिया. ठीक है, अब रिबन भी बेटा आगे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज टैब्स एंड सेकंड इज ग्रुप्स. अब आपको पता है टैब्स और ग्रुप्स हमारे कहाँ होते हैं? रिबन पर. देन टैब्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, होम टैब, व्यू टैब. ओके, सेम विद द ग्रुप्स. ग्रुप्स डिवाइडेड इनटू क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स एंड कलर्स. क्लियर बेटा? ओके. And we have learned pencil tool, eraser tool and fill with color tool. Pencil tool beta, what is the use of pencil tool? Pencil tool is used to draw freehand drawing. Eraser tool is used to erase any part of the drawing. Fill with color tool, it is used to fill color in any closed shape or area. Students, open your book at page 38, 39, 40 and 41. This is the text of your book. ठीक है बेटा, आज हम ये pages करेंगे. बेटा, before starting the topic, we will learn some new words. ठीक है बेटा, ये new words आप अपनी कंप्यूटर नोटबुक में राइट करो. ओके, फर्स्ट इज सी ओ एल ओ आर, कलर पिकर, पी आई सी के ई आर, पिकर टूल, टी ओ एल, कलर पिकर टूल. ठीक है, सेकेंड इज टेक्स्ट टूल, टी ई एक्स टी, टेक्स्ट टूल, टी ओ एल टूल. थर्ड इज ब्रशेस टूल, बी आर यू एस एच ई एस, ब्रशेस टूल, टी ओ picker tool, text tool and brushes tool. Students, this is dropper. Do you know what is the use of dropper? क्या आपको पता है dropper का क्या use होता है? Yes, आप घर पर भी देखते हो, मम्मा use करते हैं dropper? करते हैं. जब आपकी ears, eyes, नोज में पेन होता है तो मम्मा मेडिसिन डालने के लिए ड्रॉपर का यूज करते हैं. इसी तरह से बेटा, हमारे पास पेंट में कलर पिकर टूल होता है जिसकी लुक बिल्कुल देखने में कलर पिकर टूल जैसी होती है. बिल्कुल सेम एज इट इज हमें पेंट में कलर पिकर टूल मिलता है. अब कलर पिकर टूल क्या करता है? कलर पिकर टूल
color from one picture. देखो color picker tool ने एक picture से color को tick किया and fill exactly the same color in another picture or object. ठीक है बेटा, color picker tool क्या करता है, किसी भी पिक्चर से कलर को पिक करता है और उस सेम कलर को किसी भी दूसरी पिक्चर में फिल करता है. कलर पिकर टूल, द कलर पिकर टूल इज यूज टू पिक अ कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड फिल एग्जैक्टली द सेम कलर इन अनदर एरिया और ऑब्जेक्ट. बेटा कलर पिकर टूल एक पिक्चर से कलर को पिक करता है और वही सेम कलर, बिल्कुल सेम कलर को दूसरे एरिया में, दूसरे पिक्चर में या दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल करता है. अभी यहाँ नीचे पिक्चर में देखो बेटा, एक टू पिक्चर्स आपको गिवन है. फर्स्ट पिक्चर में आपको फोर्थ बैलून देखो ब्लैंक दिख रहा है ना, लेकिन नेक्स्ट पिक्चर में हमने इसको रेड कलर से फिल किया है. कलर पिकर टूल ने ये रेड कलर कहाँ से पिक किया, फर्स्ट पिक्चर में जो येलो बैलून गिवन है उसकी आउटलाइन से रेड कलर को पिक किया और फोर्थ बैलून में फिल किया है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन पेंट प्रोग्राम. क्लिक ऑन सर्च बॉक्स, Type paint, PAINT, paint. Paint program appears on the top. Click here. Now paint window appears on the screen. Beta, draw one more balloon with the help of pencil tool in your drawing. अब हम बेटा पेंसिल टूल की हेल्प से एक और बैलून ड्रॉ करेंगे. ठीक है बेटा, नाउ इन द टूल्स ग्रुप क्लिक ऑन द कलर पिकर टूल. ये देखो बेटा टूल्स ग्रुप में कलर पिकर टूल गिवन है, क्लिक ऑन इट. नाउ पॉइंटर चेंजेस into color picker tool. जब आप देखो, जब आप color picker tool पर क्लिक करते हो तब आपका pointer कैसा है, arrow. When we move on the drawing area, the pointer changes into a color picker tool. Yes beta, now click on the outline of the येलो बैलून. अब देखो बेटा ये येलो बैलून है ना, इसकी आउटलाइन पर हम क्लिक करेंगे. आउटलाइन पर कौन सा कलर है, रेड कलर. तो हमारा कलर पिकर टूल रेड कलर को पिक कर लेगा. नाउ अब देखो बेटा पॉइंटर हमारा फिल विद कलर टूल में चेंज हो गया. ठीक है ना, नाउ द पॉइंटर चेंजेस इनटू फिल विद कलर टूल. नाउ Move the pointer to the new balloon and click anywhere inside it. अब बेटा हमें इस बैलून में कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा रेड कलर फिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कलर पिकर टूल ने यहाँ से रेड कलर पिक किया था और हमने यहाँ पर रेड कलर फिल कर दिया. कलर पिकर टूल को यूज करने के लिए हमने जिन स्टेप्स को फॉलो किया है वो स्टेप्स आपकी बुक में पेज नंबर 39 पर गिवन है. ठीक है बेटा, टेक्स्ट टूल, द टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट इन अ ड्राइंग. ड्राइंग में टेक्स्ट एंटर करने के लिए हम टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं. टेक्स्ट क्या होता है बेटा, जैसे आप अपना नेम टाइप करते हो, मम्मा का नेम टाइप करते हो, ये सब क्या है, टेक्स्ट. ठीक है, आइकन देखो टेक्स्ट टूल का क्या है, ए. यस स्टूडेंट्स,
सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स ग्रुप. ये देखो बेटा टूल्स ग्रुप है, टूल्स ग्रुप में आपको टेक्स्ट टूल गिवन है, सेलेक्ट इट, डन. देन सेलेक्ट द कलर इन द कलर पैलेट फॉर द टेक्स्ट. हम बेटा कलर पैलेट में से टेक्स्ट के लिए कोई भी कलर चूज करेंगे. सपोज आई सेलेक्ट रेड कलर, देन ब्रिंग योर माउस पॉइंटर ऑन द ड्रॉइंग एरिया एंड देन क्लिक एंड ड्रैग द माउस लाइक दिस. जब हम बेटा माउस को क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे, तब हमारे सामने एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स अपीयर्स हो जाता है एंड देयर इज ब्लिंकिंग लाइन. ये ब्लिंकिंग लाइन बेटा आपको क्या शो करता है, जहां पर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो. ठीक है, नाउ टेक्स्ट टैब अपीयर्स ऑन द रिबन. पहले मैम ने आपको सिर्फ टू टैब्स पढ़ाई थी ना, होम टैब एंड व्यू टैब. लेकिन जब बेटा आप टेक्स्ट टूल को यूज करते हो, देन टेक्स्ट टैब अपीयर्स ऑन द रिबन. यूजिंग दिस टैब यू कैन चेंज द टेक्स्ट साइज, कलर एंड स्टाइल. अब देखो बेटा टेक्स्ट टैब की हेल्प से हम टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ देखो बेटा मैंने टाइप किया APS. अब अगर हमें इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज को. ठीक है, 28 हो गया. और यहाँ से हम इसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं. देखो फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया ना, एंड वी कैन ऑल्सो चेंज इट्स स्टाइल. स्टाइल जैसे आप अपनी नोटबुक में वर्क करते हो, आप कर्सिव राइटिंग में भी वर्क करते हो, आप प्रिंट लेटर्स में भी करते हो, इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स दिए हुए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल को चूज कर सकते हैं. ठीक है बेटा. बेटा जो स्टेप्स हमने अभी टेक्स्ट टूल को यूज करने के लिए सीखे हैं, वो स्टेप्स आपकी बुक में पेज नंबर 40 पर गिवन है. ब्रशेस टूल. द ब्रशेस टूल वर्क्स लाइक अ पेंट ब्रश. ब्रशेस टूल बेटा बिल्कुल पेंट ब्रश की तरह से काम करता है. पेंट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस दैट गिव आर्टिस्टिक इफेक्ट्स टू द ड्रॉइंग. पेंट में बेटा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेज होते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी ड्रॉइंग को एक आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हो, एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रॉइंग आप बना सकते हो. फ्रेंड्स, टू यूज द ब्रशेज टूल फॉलो दीज स्टेप्स. बेटा अब हम ब्रशेज टूल को यूज करने के स्टेप सीखेंगे. ठीक है, नंबर 1, क्लिक ऑन द ब्रशेज टूल ड्रॉप डाउन एरो. अब ये देखो बेटा ब्रशेज टूल पर आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ड्रॉप डाउन एरो गिवन है, इस पर हम क्लिक करेंगे. जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 9 टाइप के ब्रशेज अपीयर हो जाते हैं. हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी ब्रश चूज कर सकते हैं और ड्राइंग बना सकते हैं. देन स्टेप 2 क्या होगा हमारा, सेलेक्ट द ब्रश यू वांट टू यूज. अब हम यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट कर लिया, देन चूज द थिकनेस ऑफ द ब्रश फ्रॉम द साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब साइज से हम ब्रश की थिकनेस को चूज करेंगे कि हमारा ब्रश कितना मोटा वर्क करे, कितना ब्रश की थिकनेस हो. ठीक है, देन सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट. आई चूज रेड कलर. देन ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन टू द ड्रॉइंग एरिया. अब हमारा माउस पॉइंटर देखो ड्रॉइंग एरिया पर आ गया. नाउ पॉइंटर चेंजेस इनटू ब्रश. अब हम यहाँ पर
कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा हम बाकी ब्रशेस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इफ आई चूज सेकंड ब्रश, सेकंड ब्रश हमारा कौन सा है, कैलीग्राफी ब्रश वन। जब आप अपने माउस पॉइंटर को ब्रश के पास लेकर जाते हो तब वो आपको उसका नेम शो करता है, कैलीग्राफी ब्रश टू, दिस इज एयर ब्रश, दिस इज ऑयल ब्रश, दिस इज क्रेयॉन, दिस इज मार्कर, दिस इज नेचुरल पेंसिल एंड दिस इज वाटर कलर ब्रश, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड वाला ब्रश यूज करके दिखाऊंगी, कैलीग्राफी ब्रश वन। आई सेलेक्ट इट, चूज द थिकनेस एंड सेलेक्ट एनी कलर एंड यू कैन ड्रॉ, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन डू, यू कैन यूज कैलीग्राफी ब्रश टू, क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट द साइज एंड देन कलर, देन अगेन नेक्स्ट ब्रश एयर ब्रश, क्लिक ऑन इट, चूज द थिकनेस एंड कलर, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट ब्रश यूज करेंगे, नेक्स्ट ब्रश कौन सा है हमारा, ऑयल ब्रश, क्लिक ऑन इट एंड देन चूज द थिकनेस एंड सेलेक्ट कलर, देन नेक्स्ट ब्रश, नेक्स्ट ब्रश इज क्रेयॉन, चूज द थिकनेस, चूज द थिकनेस एंड देन कलर, दिस इज आवर क्रेयॉन ब्रश। आवर नेक्स्ट ब्रश इज मार्कर, क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट इट्स थिकनेस एंड देन कलर, और नेक्स्ट ब्रश इज नेचुरल पेंसिल, क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट द साइज एंड देन कलर, ठीक है बेटा। और लास्ट ब्रश इज वॉटर कलर ब्रश, क्लिक ऑन दिस ब्रश, सेलेक्ट द साइज एंड देन सेलेक्ट द कलर, ठीक है बेटा। अब ये मैंने आपको 9 टाइप के ब्रशेस यूज करके दिखाए हैं, ठीक है। आप अपनी ड्राइंग में जिस ब्रश की आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग ब्रश को यूज कर सकते हो, ओके। स्टूडेंट्स, देयर इज अ वर्कशीट फॉर यू, बेटा ये वर्कशीट आप ट्राई करोगे, देयर आर मिसिंग लेटर्स, ठीक है। मिसिंग लेटर्स आपको करने हैं, यहाँ पर कुछ टूल्स गिवन है, उन टूल्स को आपने पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर मिसिंग लेटर्स को फिल करना है, ठीक है, ठीक है बेटा। आप करोगे, डू इट केयरफुली। स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अ न्यू सॉफ्टवेयर स्क्रैच 3.0 इन आर नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में स्क्रैच 3.0 सीखेंगे, ठीक है। यू कैन डाउनलोड स्क्रैच 3.0
फ्रॉम द www.scratch.mit.edu। बेटा आप इस साइट से स्क्रैच 3.0 को डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द आइकन ऑफ स्क्रैच 3.0। जब आपका स्क्रैच डाउनलोड हो जाता है तो ये आइकन आपका डेस्कटॉप पर अपीयर्स होगा। एंड दिस इज द स्क्रैच विंडो। ये स्क्रैच विंडो है बेटा। जब हम स्क्रैच करेंगे तो सबसे पहली विंडो हमारी ये ओपन होती है। अब इस स्क्रैच विंडो पर आपको देखो एक कैट दिखाई दे रही है ना। इस कैट को हम क्या कहते हैं? स्प्राइट। दिस इज कॉल्ड स्प्राइट। इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास वी विल लर्न द मूवमेंट ऑफ अ स्प्राइट। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।